सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेंगे पुष्पांजलि और एकता दिवस के कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। एकता परेड का भी आयोजन, जिसमें देश भर के 10 राज्यों की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी ले रही है हिस्सा। अयोध्या में दीपोत्सव पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, सरयू किनारे जलाए गए, 28 लाख से ज्यादा दिए, 1121 लोगों ने की सरयू आरती, पहली बार एक साथ बने दो विश्व कीर्तिमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से दिया बड़ा संदेश, कहा सनातन के रास्ते में आने वाला हर रोड़ा जल्द होगा समाप्त, अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की है बारी। आज देश भर में मनाई जा रही है दीपावली, शहर शहर गांव गांव जगमगाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजपुर में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। दीपावली पर पटाखों को लेकर जारी है विवाद, बीजेपी के अमित मालवीय ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर किया हमला, कहा कांग्रेस के बाद अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को दिवाली मनाने पर पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वाल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। प्रधानमंत्री ने रक्षा विनिर्माण में भारत की ताजा प्रगति को लेकर सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर विचार किए साझा, लिखा वडोदरा में C-295 विमान की फैक्ट्री, ऐतिहासिक कदम है। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक पीछे हटे, आज दीपावली के अवसर पर दोनों देश की सेना एक दूसरे को खिलाई की मिठाई, पेट्रोलिंग पर भी जल्द ग्राउंड कमांडर्स की होगी बातचीत। हिज़्बुल्लाह के नए चीफ नए कासिम का ऐलान, सिर्फ अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम की बात कही, इसराइल का लेबनान के अलग अलग हिस्सों में भारी बमबारी है जारी, हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली सैनिकों को मारने का दावा किया। कोई भी होगा।